अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। दिलकश चेहरा सबको अपनी तरफ मतवज्जो करता है। खूबसूरती में साफ और शफाफ स्किन अहमियत की हामिल समझी जाती है, लेकिन चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आपका हुसन मान कर देते हैं। गैर ज़रूरी बालों की वजह से रंगत भी काली दिखाई देती है। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की हेयर रिमूविंग क्रीम और लोशन दस्तियाब हैं, जो अपर लिप्स के और दीगर चेहरे के गैर ज़रूरी बालों का सफाया करती हैं, लेकिन इनके ज़्यादा इस्तेमाल से रंगत ख़राब हो जाती है और बाल भी मोटे आने लग जाते हैं। आज की ख़ास वीडियो में आपको ऐसा नायाब नुस्खा बता रही हूँ जिसमें सिर्फ एक कुदरती इंग्रेडिएंट के ज़रिए आपकी अपर लिप्स के बालों से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। अगर आप चाहें तो अपने चेहरे पर भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ बार के इस्तेमाल से ही चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। जब भी आप अपर लिप्स के हेयर रिमूव करें तो इसे यूज़ करें। कुछ बार के इस्तेमाल से बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकॉन को दबाएँ ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके लिए आपने गुड़ लेना है एक छोटी डली, पानी हसबे ज़रूरत, मलमल के कपड़े का टुकड़ा एक अदद। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि गुड़ को पानी में पका लें, किसी छोटे पैन में गुड़ और पानी डालकर हल्की आंच पर पकाएं। जब ये एक लई सी बन जाए तो उसे चूल्हे से उतार लें और इसको हल्का सा ठंडा करके अपर लिप्स पर एक पेस्ट की तरह लगा दें। जब ये हल्का सा खुश्क होने लगे तो मलमल का टुकड़ा अपर लिप्स पर रख दें, 3 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद कपड़ा खींच लें, बाल जड़ से निकल आएंगे। जब भी अपर लिप्स के हेयर रिमूव करने हो तो यही यूज़ करें, इससे दोबारा बाल कभी नहीं आएंगे। गुड़ में नेचुरल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं जो कि जिल्द को सेहतमंद बनाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो स्किन को नरिश करते हैं। ये बात सच है कि बाल सिर्फ मर्द हजरात के चेहरे पर ही अच्छे लगते हैं, बाज़ औक़ात ख़वातीन के चेहरे पर भी ये गैर पसंदीदा रुआ उभर आता है जिसकी वजह से चेहरा बहुत अजीब लगता है। ख़वातीन में ये बाल हार्मोन चेंजेस या फिर दूसरे रीजंस की वजह से भी हो सकती है। मेरा आज का ये टोटका ऐसा है कि जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं और ये चेहरे के बालों का जड़ से खात्मा करेगा। आज ये टोटका आजमाएं और वैक्स और थ्रेडिंग को भूल जाएं। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कारामत वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।